जान चुके हैं व्यतिकरण क्या होता है। वो हमने देखा कि जब भी कोई व्यतिकरण का स्थायी प्रतिरूप प्राप्त करना होता है तो सबसे जो पहली कंडीशन है वो उसके अंदर होती है कि हमारे को कला संबद्धता चाहिए होती है। अब हम देखते हैं कि जो व्यतिकरण का वर्गीकरण है वो किस तरह से होता है। व्यतिकरण के वर्गीकरण में पहला जो टाइप है वो होता है तरंगाग्र विभाजन और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इस प्रकार के व्यतिकरण में अपवर्तन या परावर्तन के द्वारा परावर्तित तरंगाग्र को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि दोनों तरंगे अलग अलग प्रकाशीय पथ चलने के बाद पुनः एक छोटे एंगल पे आके वापस मिलके व्यतिकरण फ्रिंजे बनाती है। और इसका एग्जाम्पल है फ्रेनल बाई प्रिज्म और लॉयड मिरर। इसी तरह जो सेकेंड टाइप है वो कहलाती है आपका आयाम का विभाजन, जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इस विधि में आंशिक अपवर्तन या परावर्तन के बाद आपतित तरंगों में को एक दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करते हैं और उसके बाद ये सारी जो तरंगे हैं वो वापस एक दूसरे पे अध्यारोपित होकर हमें व्यतिकरण फ्रिंजे देती है। इस प्रकार के जो भी उपकरण होते हैं जिसके अंदर की आयाम का विभाजन होता है वहाँ पे हमेशा हमें विस्तृत स्रोत की आवश्यकता होती है। और ये हमें क्यों होती है इसका डिस्कशन हम इस आर्टिकल के बाद करेंगे। और इस तरह का जो उदाहरण है जिनमें कि ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है उसका उदाहरण है पतली फिल्म, न्यूटन वलय और माइकलसन व्यतिकरण मापी। अब हम पतली फिल्मों की मोटाई ज्ञात करने के काम में व्यतिकरण को लेंगे कि हम व्यतिकरण की सहायता से किस तरह से अत्यधिक पतली फिल्मों की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम जैसा कि हमें पता है एक सिंगल सोर्स S है जिससे कि हमने दो सोर्सेज S1 और S2 बनाए जो कि चित्र के अनुसार किसी पॉइंट पी पे जाके अध्यारोपित हो रही है दोनों तरंगे। और ओ जो बिंदु है वो ऐसा बिंदु है जिसकी दूरी S1 और S2 दोनों से बराबर है, अर्थात S1O इज इक्वल टू S2O। और हम कह सकते हैं कि S2O माइनस S1O इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि S1 और S2 से जो तरंगे O बिंदु पे पहुंच रही हैं वो ऐसे पहुंचेंगी कि उन दोनों के बीच में किसी भी तरह का पथ का अंतर नहीं होगा, दोनों बराबर दूरी तय करके पहुंचेंगी। इसलिए जो बिंदु O है वो हमेशा उच्चिष्ट होगा। जहां पर भी हम तरंगाग्र के विभाजन की बात करते हैं वहां पे हमेशा जो केंद्रीय बिंदु होगा वो हमेशा प्रदीप्त होगा। अब हम ये देखते हैं कि S1P या S2P दोनों में से किसी भी रे के बीच में जो पतली फिल्म है जिसकी ही हमें मोटाई ज्ञात करनी है वो उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। माना हमने S1P के बीच में एक पतली फिल्म जिसकी की थिकनेस T और म्यू उसका अपवर्तनांक है वो लगाई है। तो जैसे ही हम S1P के बीच में ये फिल्म इंसर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो तरंग है उसका जो पाथ ट्रेवल्ड है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर S1P माइनस T दूरी तो तरंग ने हवा में तय की है और T डिस्टेंस जो है दैट मीन्स कि T जो है मोटाई में म्यू रिफ्रैक्ट इंडेक्स और T मोटाई के माध्यम में से चली है, इसलिए वो डिस्टेंस हो जाएगा म्यू इंटू T। तो हम कह सकते हैं कि S1 से P तक का जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है या ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड है वो हो जाएगा S1P माइनस T प्लस म्यू T और S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T, जैसा कि समीकरण 1 में के बिंदु P पे अगर P जो है वो हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा, जहाँ पे भी डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट या तरंगाग्र का विभाजन होगा वहाँ पे केंद्रीय बिंदु हमेशा उच्चिष्ट होगा। तो वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो ये दूरी है ये बराबर होनी चाहिए। तो S2P किसके बराबर होना चाहिए, S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T के बराबर। और यहाँ से अगर हम S2P माइनस S1P की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी S2P माइनस S1P इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू T, जैसा कि समीकरण 2 में दिखाया गया है। हम अब ये कह रहे हैं कि माना कि केंद्र बिंदु से P की दूरी को हम x मान लेते हैं और हम ये मानते हैं कि पहले हमारा जो उच्चिष्ट था वो O बिंदु पे था। जैसे ही हमने इसके बीच में फिल्म इंसर्ट की तो ये जो है इसकी शिफ्टिंग हो गई है मैक्सिमा की, और ये मैक्सिमा जो है वो P पे शिफ्ट हो गया। अगर तो हमें पता है कि जो पथांतर है वो कितना हो जाएगा S2P माइनस S1P, जैसा कि हम पिछले आर्टिकल में जहाँ पे फ्रिंज विड्थ कैलकुलेशन की है हमें पता है कि ये डिस्टेंस हमेशा XD/D के बराबर होता है। तो हमारे पास समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों ही S2P माइनस S1P की वैल्यू है। इन दोनों को इक्वेट करने पे हमारे पास आ जाएगा XD/D इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू T, और x की वैल्यू हो गई आपके पास D इंटू म्यू माइनस 1 इंटू T/d के बराबर।
अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो x दूरी है O से P के बीच की, उसमें हम कहते हैं कि बीटा चौड़ाई की n फ्रिंजे हैं, तो x हमारा n बीटा के बराबर हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू हो गई हमारे पास, एक x n बीटा के बराबर है और दूसरा x है हमारे पास d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन डी के बराबर। इन दोनों को इक्वेट करने पे x इज इक्वल टू n बीटा इज इक्वल टू डी म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से टी या जो थिकनेस है, जिस फिल्म की हमें थिकनेस निकालनी थी, उसकी वैल्यू हो जाएगी n अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू बीटा डी अपॉन लैम्डा के बराबर। और हम कह सकते हैं कि टी को हम लिख सकते हैं एन लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रिंज चौड़ाई है वो बीटा को हम एक्सप्लेन करते हैं डी लैम्डा अपॉन 2d से। देखेंगे कि पतली फिल्मों में जो व्यतिकरण होता है वो किस प्रकार होता है। मान लीजिए ऐसे एक सोर्स है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, और ऊपर और नीचे जो माध्यम है हवा है, और ये जो थिकनेस टी की कोई भी पतली फिल्म रखी हुई है जिसका कि अपवर्तनांक म्यू है, उसके ऊपर ये एस से ए पे ये लाइट गिरती है हमारी तरंग, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है जो कि हमने डायग्राम में ए आर वन से बताया है। सिमिलरली ये फिर दूसरी सरफेस पे आके टकराती है, बी पे आके फिर ये दो भागों में टूटती है, एक भाग इसका परावर्तित हो जाता है, दूसरा भाग आपका जो है वो पारगत हो जाता है। तो जो परावर्तित प्रकाश है वो फाइनली सी आर टू के फॉर्म में बाहर निकलता है, और ये वापस डी पे आके पारगत प्रकाश जो है वो डी टी टू के रूप में बाहर निकलता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो सेट ऑफ तरंगों की जो है ये रेज आ गई हैं। कौन कौन सी आ गई है? पहली हो गई आपकी ए आर वन और दूसरी कहलाएगी आपकी सी आर टू। ये दोनों हो गई आपके पास परावर्तित प्रकाश, और डी टी वन और बी टी वन और डी टी टू हमारे पास वो प्रकाश है जो कि पारगत प्रकाश है। यहाँ से हमने देखा कि ये जो एंगल आई दिखाया है हमने इसमें ए पॉइंट पे, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा जो नीचे की तरफ आर से दिखाया है ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें अगर कैलकुलेट करेंगे तो बी पे ये जो एंगल बन, यहाँ से मैंने बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि हमारे ए और सी को एम पे काटता है, तो हमारे पास जो वैल्यू है ए और सी की हो जाएगी 2AM के बराबर। ये एंगल जो है हमारे पास जो ए सी के है जो एंगल आपका, ये है एंगल आई और ये एंगल आर है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब मैं कैलकुलेट करूँगी कि जो हमारे पास जो परावर्तित किरणें हैं जो कि ए आर वन और सी आर टू के रूप में हैं, इनके कारण व्यतिकरण प्रतिरूप में हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हों। परावर्तित किरणों के बीच पथांतर, पाथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे। तो चित्र के अनुसार ए आर वन और सी आर टू जो परावर्तित किरण है इनके बीच में पथांतर कितना होगा? जो पाथ डिफरेंस होगा ए बी इंटू ए बी प्लस बी सी जो है, ये डिस्टेंस जो है वो तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चली है ये किरण, कौन सी वाली? सी आर टू जो बाहर निकली है, और इसमें से हमने एक परपेंडिकुलर डाला था जो वो के पे काट रहा था, तो हमारे पास जो टोटल पाथ डिफरेंस हो गया म्यू इंटू ए बी प्लस बी सी माइनस ए के। अब हम इनकी वैल्यू ए बी बी सी और ए के की वैल्यू डायग्राम की ज्योमेट्री से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉस ऑफ आर है, कॉस ऑफ आर जो है हमारे पास डायग्राम की ज्योमेट्री से अगर हम देखें तो यहाँ से कॉस ऑफ आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाती है बी एम अपॉन ए बी, और बी एम क्या है? थिकनेस है फिल्म की, तो ये हो जाएगी टी अपॉन ए बी के बराबर। और यहाँ पे जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं डायग्राम में वो ए बी और बी सी दूरी बराबर है, तो ए बी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर इज इक्वल टू बी सी। इसी तरह जो छोटा ट्राइंगल है हमारा जो कि ए सी के है, उसमें से अगर हम कैलकुलेट करें तो ए के अपॉन ए सी साइन आई के बराबर होगा, तो ए के की वैल्यू होगी ए सी साइन आई, और ए सी हमें डायग्राम की ज्योमेट्री से पता है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने जो कि 2AM के बराबर है, ये हो गया 2t टेंजेंट ऑफ आर। तो ए के हमारे पास हो गया 2t टेंजेंट आर साइन आई, जो कि समीकरण 4 से हमने बताया। अब मैं अगर पथांतर का मान निकालूं तो पथांतर हो जाएगा म्यू इंटू, ये वैल्यू किस में रखी है अपन ने? ये वैल्यू रख रहे हैं अपन समीकरण 1 में ए बी बी सी और ए के की। ये सारी वैल्यूज जब हम इसके अंदर रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, यहाँ स्नेल्स लॉ में क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, तो जहाँ पे म्यू साइन आर साइन आई है वहाँ म्यू साइन आर लिख देंगे, और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पथांतर का मान है वो आ जाएगा आपके पास 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर, जैसा कि इक्वेशन 5 में दिखाया गया है।
परंतु हम जानते हैं कि किसी भी सघन माध्यम से परावर्तन जब भी होता है, जब भी इन किरणों का जब भी माध्यम परिवर्तन होता है, तो हमने हमें पता है कि यहाँ पे एक एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू का ऐड हो जाता है, अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हम AR1 और CR2 के बीच का जो पथांतर है वो कितना